जो दहेज लेके शादी करवाता है वो नपुंसक होता है, कमजोर आदमी होता है। ये गीता का शब्द है क्लेव्यम, वो नपुंसक होता है, वो बुज़दिल होता है, जो अपने ससुराल के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह जीता है। तुम अपने ससुराल के टुकड़ों पर जीते हो, वहां से पैसा लेकर के, और सोचते हो कि फिर मैं ब्याह करूंगा, तो तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? कहता है मैं बलवान हूं। तू बलवान कहां है? तू तो कमजोर आदमी है, तेरे पास इतना दम ही नहीं कि तू जिंदगी को ठीक से बसर कर सके, जी सके। ससुराल से गाड़ी आएगी उसमें चलेगा, दम है तो अपने पैसे से मोटरसाइकिल खरीद ले, दम है तो तू गाड़ी खरीद, तू अपने अपने बूते पर खड़ा हो, ससुराल के पैसे से गाड़ी आएगी। हम छोटे बच्चे थे तब देखते थे, उस समय तो ये गाड़ियां नहीं थी हिंदुस्तान में, गाड़ी तो कोई वायसराय के पास में या बड़े रईस लोगों के पास में होती थी। तो क्या होता था, एक साइकिल, फिर वो मोटरसाइकिल और गाड़ी हो गई, फिर एक घड़ी छोटी सी, फिर एक रेडियो, अब वो रेडियो की जगह टीवी हो गया, फिर एक पलंग देते थे उसकी जगह अब डबल बेड हो गया। माने सारी गृहस्थी का सामान, बर्तन भांडे तक ससुराल से आते। धिक्कार है इन जवानों को, तुम्हारी जवानी पर लानत है। जो ऐसा दहेज लेते हैं वो दुनिया के सबसे कमजोर नपुंसक लोग होते हैं, और जिन्होंने ले लिया वो ब्याज सहित अपने ससुराल में वापस भेज दो। प्रयाश्चित करो इस कुंभ में तो पाप धुलेंगे, नहीं तो ससुराल वाला पाप छूटने वाला नहीं है संगम में नहाने से भी। ठोको जोर से ताली, पता तो लगे कुछ कहा है बाबा ने।